क्या आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान सालों से कितने सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बड़े बड़े डिप्लोमेट्स की सारी जिंदगी गुजर गई, लेकिन फाइनली ऐसा लग रहा है कि भाई इंडिया पाकिस्तान की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इंस्टाग्राम पर एक ऐसा मसीहा है जो लोगों की रियल प्रॉब्लम से डील कर रहा है। यस, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के स्किन केयर और हेयर केयर एक्सपर्ट अजान सैयद भाई की। दिल्ली इंडिया से, इंडिया लुधियाने से, इंडिया से मुझे, इंडिया दिल्ली से, इंडिया मुंबई से। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? क्या नाम है? महेश केशवाला, AKA थगेश। और आज की वीडियो दादी के नुस्खों में आपका स्वागत है। बट ये बंदे की बात अलग है, ये सिर्फ इंडियन लोगों के स्किन और हेयर प्रॉब्लम्स की बात करता है, तो अपेरेंटली पाकिस्तान में किसी को प्रॉब्लम है ही नहीं। मेरी पाकिस्तान और पाकिस्तान के मेरे फैन से एक दरख्वास्त है, वीडियो में कही कि किसी भी बात से ऑफेंड ना होना, क्योंकि ऑफेंस लेने से स्ट्रेस बढ़ता है और स्ट्रेस से बाल झड़ते हैं, फिर आपको भी अजान भाई के नुस्खे यूज करने पड़ेंगे, उससे तो गंजा होना गारंटी है। नाउ भी आपको एंड मुझे दोनों को पता है कि मुझे पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान और मुझे एक बंदे से प्रॉब्लम है। देखते हैं ये सेकंड हैंड मृदुल मधुख क्या बवासीर कर रहा है। करीब एक हफ्ता पहले इंडिया पुणे से मुझे इस भाई का मैसेज आया। कहने लगे, भाई इन सफेद बालों का कुछ करो, कोई नुस्खा बताओ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ, प्लीज। फिर मैंने उस भाई को इतने कमाल का नुस्खा बताया ना यार, इतने कमाल का कि 3 दिन बाद ही उनको रिजल्ट नजर आना शुरू हो गया और 6 दिन बाद उनके बाल काले रंग से भी ज्यादा काले। यार मैं इस बंदे को ब्लेम नहीं करूंगा, जब हमारे इधर भी नया नया फोटोशॉप आया था ना, तो हम लोग भी फोटोज के ऐसे एक्सपेरिमेंट करते थे, लेकिन अगर देखो काले से सफेद करने का इतना शौक है ना, पहले अपने कंटेंट को कर ले। इससे अच्छा तो सफेद ही रखता बाल, ज्यादा मैच्योर लग रहा था। 55 साल होगी और ये रिजल्ट था। अगले दिन जब दोनों बाप बेटा घर से बाहर निकले, पाकिस्तान में अभी तक सूर्यवंशम ही चल रही है क्या भाई? हर बेटा डिट्टो अपने बाप की तरह नहीं दिखता है। तेरी शक्ल भी थोड़ी थोड़ी ध्रुव राठी से मिलती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि... बेटे को कहने लगे कि ये तेरा छोटा भाई है साथ, अब यहाँ से तुम लोग नुस्खे की ताकत का अंदाजा लगा लो, और अगर आपके बाल, ये इसका बाप जेठालाल जैसा क्यों लग रहा है मेरे को, आप लोगों ने 2 गिलास पानी कंटेनर में ले लेना, उसको अच्छे से बॉईल कर लेना, उसके अंदर ऐड करना 1 चम्मच आमला पाउडर, 1 चम्मच चाय, 1 चम्मच एलमंड ऑयल, 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, और उसके बाद 1 चम्मच हल्दी। मेरे दोस्त है किचन में जो दिख गया उसको मिक्स करके कुछ भी बनाने का है क्या? हेयर मास्क बनाना है दोस्त, तुम्हारे कॉन्स्टिपेशन की दवाई नहीं। और ओ हो हो 25 मिनट बाद सर धो लेना, और उसके बाद सारी जिंदगी के लिए मेरे शुक्र गुजार हो जाओगे। सारी जिंदगी के लिए मेरे शुक्र गुजार हो जाओगे, सारी जिंदगी थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया दोस्त? भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया यार। अगर तो तुम लोगों के फोन का कैमरा बेकार है ना, तो मैं इतने कमाल की सेटिंग बताने लगा हूँ जिससे तुम लोगों का फोन DSLR बन जाएगा। अरे DSLR से भी अच्छा, DSLR क्या चीज है? क्या कहा तूने? लोगों का फोन DSLR बन जाएगा। अरे DSLR से भी अच्छा, DSLR क्या चीज है दोस्त? किसी का नहीं तो अपने कंटेंट का तो सगा हो। आज जो तस्वीरें लेंगे हम, वो प्रोफेशनल कैमरे से होंगी, वो मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं डायरेक्ट सन लाइट के आगे जो है ना तस्वीर लेने के लिए। सो मैं जिस कैमरे का इस्तेमाल करने लगा वो है सोनी ZV-1। DSLR से भी अच्छा, DSLR क्या चीज़ है? किसी एक का तो हो रहा है। वही लोग है जो एंड्रॉइड यूज करके आईफोन को गालियां देते हैं, लेकिन मन ही मन आईफोन तो चाहिए रहता है ना? सही पकड़ा, कौन है कमेंट में बताओ मेरे को। 3 दिन पहले इंडिया दिल्ली से मुझे इस लड़की का मैसेज आया कि अजान मैं तुम्हारे पांव पकड़ती हूँ, इस शक्ल का कुछ करो, सारी जिंदगी तुम्हारी पूजा करूंगी, कोई स्किन ग्लो करने का तरीका बताओ, मेरी शक्ल बहुत ही काली और डल। यार ये कितना नार्सिसिस्टिक बंदा है यार, भी पूजा करवाने के पीछे लगा पड़ा है। इतना नार्सिसिस्टिक है, हगीज के डायपर जितना लिक्विड एब्जॉर्ब नहीं करते ना, ये खुद को एब्जॉर्ब कर लेता है। शक्ल काली है बोल के जो तूने मनुष्यत फैलाई है ना इंटरनेट पे, बस खूबसूरती बाहर नहीं इंसान के अंदर होती है। लेकिन दोस्त तू नहीं समझा, तेरी बाहर अंदर दोनों बेकार है। और ये क्या कौन सा कॉन्टेंट है 2020 का? ये मृदुल मधुक ने करके छोड़ दिया हमारे इधर, किसी भी रैंडम का आदमी का फोटो उठा के। पाऊँ वगैरह अपने माता पिता के पढ़ना मेरे नहीं, पर मैंने उन्हें स्किन ग्लो करने का ऐसा नुस्खा, ऐसी कमाल की रेसिपी बताई ना, सिर्फ उन्होंने 3 दिन अपनी स्किन पे अप्लाई किया और ये रिजल्ट था। मैं खुद ये रिजल्ट वन्नबी ज़ाइन मलिक, मेरा सिर्फ एक ही क्रश है जो है जान मलिक। खुद को फिल्टर लगाने का इतना आदत है, स्नैपचैट पे कॉफी का फोटो अपलोड करके फिल्टर कॉफी बना देता रहेगा उसको। हा? खुद की आंखें देखो, किसी वीडियो में काली, किसी में ब्लू, किसी में ग्रीन, मालूम है तू रंग बदलता है, लेकिन तेरी आंखें तभी बोलो इसका नजरिया ठीक नहीं है। जी जी जी, आंखें देखो, नियत में खोट, साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। यार आजकल हर चीज ऑनलाइन हो रही है, माना ये बुरी चीज है, लेकिन अच्छी चीजें भी हो रही है ऑनलाइन। घर पे बैठे मजाक मजाक में लोग ग्रेजुएट हो गए, शॉपिंग कर सकते हैं, फूड डिलीवरी हो जाती है भाई मिनटों में, एंड मिनटों में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर खेल के कैश प्राइजेस जीत सकते हो। एंड ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है जूपी। नाउ जूपी एक बिगेस्ट ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है, जिसमें कैजुअल एंड हल्के फुल्के गेम्स जैसे लूडो, कैरम, सांप सीढ़ी जैसे बहुत सारे गेम्स खेल सकते हो। एज यू कैन सी, जूपी पर खेलो 10 मिनट के हल्के फुल्के गेम्स एंड जीतो प्राइजेस। नाउ जूपी जैसे प्लेटफॉर्म्स बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे विनिंग्स तुरंत विड्रॉ कर सकते हो आप अपने बैंक अकाउंट में UPI से। तो अभी डाउनलोड करो जूपी ऐप एंड पाओ 10 रुपीज फ्री, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। देख के हैरान रह गया, मैंने उनसे पूछा, मैडम ये आपकी तस्वीर है, सबसे पहले आपने ले लेना 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच दूध और 1 चम्मच शहद, इन तीनों चीजों को मिक्स करके अपने चेहरे पे
क्या बात कर रहा है, हल्दी और शहद ये तो मैंने पहले कभी सुना ही नहीं। आयुर्वेद में होता है, मैंने तो सुना ही नहीं। हमको सिखा रही है हल्दी के बारे में? तेरे को दादी बनने की जरूरत नहीं है, हमारी दादी ने बचपन में हल्दी शहद का जादू बता दिया था। वो तो अच्छा है मैंने देख लिया है, किसी इंडियन दादी ने देख लिया ना तो पहले वो तेरे को रोस्ट करेगी। लेकिन अफसोस अभी दादी लोग को दिखा नहीं सकते, डॉक्टर ने बोला स्ट्रेस से दूर रहने। पंद्रह मिनट के लिए लगा लेना और उसके बाद ठंडे पानी से धो लेना। 3 से 4 दिन इसको डेली अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना है, ऐसा ग्लो आएगा ना, और अगर ना आया तो ये चैनल डिलीट कर दूंगा। देख भाई कुछ भी कर लेकिन प्लीज चैनल डिलीट मत कर, क्योंकि भाई अगर तेरे बताए नुस्खों से कभी किसी को कुछ हो गया तो कोर्ट में प्रूव करने तेरा कॉन्टेंट रहेगा ना कि इसके वजह से। हफ्ता पहले इंडिया बिहार से मुझे एक भाई का मैसेज आया और वो मैसेज था डार्क स्पॉट से रिलेटेड। उसमें भाई ने लिखा था कि भैया हमारे चेहरे का कोनो जुगाड़ लगावो, ई के ऊपर बहुत सा ससुरा पिंपल आई गवा। चलो ऊ पिंपल तो हम फोड़ देस, लेकिन ऊ ससुरा पिंपल हमार मुंह के ऊपर बहुत सा काला निशान छोड़ गया, तो हार पाऊं पड़त कोनो नुस्खा बताई दो हमका को। तुम जो डायलेक्ट वा लिए हो ये बिहारी लोगों ने सुन लिया ना तो तुम्हारे चेहरे पे ना बिना पिंपल वा के निशान आएगा। अरे यार कुछ समझ नहीं आ रहा, ये तो ऋतिक रोशन के बिहारी एक्सेंट से भी घटिया लगे। बंदे को ऐसी कमाल की रेमेडी बताई, ऐसे कमाल का इलाज बताया, उसने सिर्फ एक हफ्ता इस्तेमाल किया और ये रिजल्ट था। रेमेडी बताने से पहले लाख हंस रहा है फोटोज, तेरे को मालूम है तो किसी की भी फोटो उठा के इसे नहीं डाल सकता है। कंसेंट छोड़, तेरे को देख के लग रहा है तो खुद का ही कंसेंट नहीं लेता रहेगा। एक छोटी सी टिप दूंगा, इफ यू हैव पिंपल्स राइट नाउ द लास्ट थिंग यू वांट टू डू इज टू पॉप देम, ट्रस्ट मी ये डार्क स्पॉट्स। तू पॉप हुआ उसका क्या, वो भी नहीं करना था। आपको पता है ये भाई और पिंपल्स में बहुत सारी सिमिलरिटीज है, दोनों ही बिन बुलाए प्रकट हो जाते, एक चीक पे दूसरा आपके फीड पे। पिंपल और ये भाई दोनों को ही देख के फोड़ने का मन करता है और दोनों ही जाते जाते डार्क स्पॉट छोड़ जाते, पिंपल मुंह पे और ये आपकी आत्मा पे। एक और आ रहा है, रुको, दोनों ही पस से भरे। पहले इस लड़की के बाल लड़कों से भी ज्यादा छोटे थे, फिर मैंने इसे इतने कमाल का नुस्खा बताया कि 10 दिन में ये रिजल्ट था। और इतना ही नहीं यार, ये नुस्खा मैंने खुद भी इस्तेमाल किया, हफ्ता पहले ये मैंने इतने बाल छोड़। भाई मैं समझ गया हूँ ये कौन है, रात को 12 बजे पता है वो टेली मार्केटिंग की एड आती है, ये उसका 480p वर्जन है। जी दोस्तों ये है निशा, निशा एक लड़की है और इसके बाल लड़कों से भी छोटे हैं। लेकिन अब निशा को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अजान सैयद आपके लिए लाए हैं एक ऐसा नुस्खा जो 10 दिन में आपके बालों को तो कुछ नहीं होगा लेकिन आपका दिमाग कम होने की पक्का गारंटी है। यार ओए होए कमाल, ओए होए होए ओए होए होए ये। इतना ही नहीं, ब्यूटी हैक्स के साथ साथ रिलेशनशिप की भी बातें करते हैं भाई, एंड गेस व्हाट, वहां भी जब तक इंडिया का नाम ना ले तब तक जिगर को ठंडी नहीं पोसती। मुझे एक हिंदू लड़की का मैसेज आया, वो मुझे कहने लगी कि मैं एक मुसलमान लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उस लड़के के लिए मैं हिंदू से मुसलमान कन्वर्ट होने के लिए भी तैयार हूँ। कहने लगी मैं एक बहुत ही स्ट्रिक्ट हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हम इंडिया कोलकाता में रहते हैं, मेरे पेरेंट्स इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो एक नंबर के। भाई तू ये किस लाइन में आ गया, एक्टर बन जाता। देख ऐसे तो इंडिया का माहौल तू जानता ही है, यहाँ काम नहीं मिलेगा तुझे। आई नो आर्टिस्ट के बीच में कोई बॉर्डर नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर ये बंदा आर्टिस्ट है बनाओ बॉर्डर, ये नहीं मांगता हम लोग को, आप लोग ही रखो। उसने अपने माँ बाप को गाली दी, बहुत ही गंदी गाली, फिर मैंने उसे कहा कि यहीं पर रुक। ये स्टोरी तू हिंदू मुस्लिम एंगल डाले बिना भी बता सकता है दोस्त, क्यों झगड़े करवा रहा है, तू रीलर है पॉलिटिशियन नहीं, स्मार्ट। दिल्ली इंडिया से एक हिंदू और शादीशुदा लड़की को मुझसे प्यार हो गया। काफी टाइम पहले मैंने शिवलिंग पर एक वीडियो बनाई जो उनको काफी अच्छी लगी और उनके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स आ गई और काफी दफा हमारी। मैं अभी इसका फॉर्मूला समझ गया, वीडियो में इंडिया, हिंदू लड़की, शिव, गणेश ऐसे नाम लेके वायरल हो जाओ, मैं भी ट्राई करता हूँ। गाइस कुछ दिनों पहले मुझे पाकिस्तान से इमरान खान का मैसेज आया कि थगेश भाई मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इस बाबर आजम का कुछ करो। मोबाइल पे यहाँ वहाँ बड़ी बातें करता रहता है, इसके स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे, बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता फिरता है। इसे वायरल होना छोड़ो, इसको देखने वालों को वायरल फीवर हो रहा है। आज फोन पे अपने हिंदुस्तानी गुरुजी से बात कर रहा था, वो एक हिंदू मॉन्क है और मैं उनको स्वामी जी कहता हूँ। फोन पर उनके साथ लगा हुआ, अचानक मेरा दोस्त बोला, अरे इन हिंदुस्तानियों से क्या पूछ रहा है, इनके पास तो टॉयलेट ही अब आया है। पहले तो इनकी बहन बेटियां खेतों में जाती थी वॉशरूम करने और मर्द दूर से दूरबीन लगा के ऐसी बातें कर रहा। स्वामी जी एक्सक्यूज मी, पहले पाकिस्तान में इंडिया ही था दोस्त, क्या बात कर रहा है, पहले रख के दिया कान के नीचे। मैंने उसे बोला आज से 1200 साल पहले जो रिचुअल्स इंडिया में प्रैक्टिस होते थे आज वही अंग्रेज लोग चोरी कर रहे हैं। और तुझे क्या लगता है ये जो तू चेस खेलता रहता है हर टाइम, ये उस हंसन कमांडर ने इन्वेंट की है? नहीं, बल्कि ये इंडिया में इन्वेंट हुई है और इसको चतुरंगा कहा जाता था, ग्लूकोज के डब्बे। स्वामी जी खेत दूरबीन चेस, ये कैसी स्क्रिप्ट है, क्रिस्टोफर नोलन भी डायरेक्ट करने से मना कर दे भाई। आप आपके बिना फिल्म बनेंगे। देख भाई वहाँ अगर दिमाग का इलाज नहीं हो रहा तो यहाँ पे आ जा, यहाँ पे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है।
यार अगर तो तुम्हारे इंटरनेट की स्पीड स्लो है ना, तो मैं इतने कमाल की सेटिंग बताने वाला हूँ, तुम्हारे नेट की स्पीड रॉकेट से भी ज्यादा तेज होगी। इलॉन भाई पहले इसको रॉकेट पे बिठाओ, आपको अगर एक्सपेरिमेंट के लिए किसी को मार्स पर भेजना है तो एक कैंडिडेट रेडी है। पाकिस्तानी टेक्निकल गुरुजी अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, अपनी ऑडियंस को आड़े तेड़े हैक बता रहा है। सोचना जरा, उनका फोन खराब हो जाएगा, फोन खराब हो जाएगा तो तेरा कंटेंट कैसे देखेंगे। हाँ, मतलब तो अपनी ऑडियंस का भला चाहता है। मैं तो तेरे को हराम ही समझता था, तू तो राम निकला रे। तो मैं 5 GB की फाइल डाउनलोड पे छोड़ के पानी पीने चला गया। ऐसे ही मैं पानी पी के वापस आया तो मैं क्या देखता हूँ कि वो 5 GB की फाइल डाउनलोड हुई पड़ी है। और मैं तो ईरान हुई पड़ी है। देखो ऐसा भी हो सकता है इसको पानी पीने 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ा हो, टाइम तो इसने बताया नहीं। मैं तो ईरान रह गया। अगर तुम लोगों ने भी अपने डाउनलोड की स्पीड को तेज करना है, सबसे पहले गूगल को करना ही नहीं है मुझे। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। यही सब देखना है तो रुक, मेरा इंटरनेट 2G कर देता हूँ, 5G वेस्ट हो रहा है मेरा। ताली खाने के लिए भाई को कॉन्टेंट कम गिर रहा था तो भाई ने व्लॉगिंग भी शुरू कर दिया। जोगिंदर रियल आईडी से आओ। My ex regrets dumping me and is miserable. तो मैंने जो है ना 2000 रुपया दे के यहाँ पे जिम लगाई है घंटे के लिए। आज मेरा जो है ना कहीं बाहर जिम लगाने का दिल था तो मैंने कहा यार फोटोग्राफी भी हो जाएगी, जिम भी लगा लेंगे। तो इतने में प्रायोरिटी देख रहे हो, पहले फोटोग्राफी करना है बाद में जिम करना है। हाँ ये तो वही बात हो गई, पहले प्लेन उड़ाएंगे बाद में पायलट बनेंगे। दोस्त फ्लेक्स करने के लिए ढंग का वर्कआउट करना पड़ता है, क्रोनोलॉजी समझिए। तो इतने में जो है ना मेरी जो एक्स है उसने जो है ना मुझे दोबारा मैसेज किया है, उसने व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भी मुझे भेजा है। मैं तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। दोस्त व्लॉगिंग कर रहे हैं, डिस्कॉर्ड सर्वर पे चैट कर रहे हैं। पूछा किसी ने ऑडियो वीडियो क्या सुना रहे? नहीं सुनने गए यार ऑडियो। ये वही लोगों में से जो चटपटी गॉसिप मिली ना स्क्रीनशॉट मार के ग्रुप में डाल देते। Hey, I'll come look at this. Hello, अस्सलाम वालेकुम, अजान कैसे हो? ठीक हो? मैंने तुमसे बात करनी थी, तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करते हो। भाई मिनी व्लॉग सुना था, माइक्रो व्लॉग्स? हाँ, अपने हाथ के बाल क्यों दिखा रहे? नहीं देखना है मेरे को यार। कहाँ रोस्टिंग में आ गया, मैं समझ नहीं रहा यार। टेक यूट्यूबर बन गया रहता। ये बात करनी थी, तुम मेरी शादी पे क्यों नहीं आए? और मैं इस शादी में थी लेकिन मेरी नजर सिर्फ तुम्हें ही ढूंढ रही थी। लोग हमेशा गूगल करते हैं ना व्हाट डज अ टॉक्सिक मेल लुक लाइक, इसकी फोटोज आएंगी। बस अब इससे ज्यादा क्रिंज देख लिया तो उजाला पीना पड़ेगा मेरे को। बढ़ते बढ़ते हमारे पंच लाइन वाले सेगमेंट में माइक ड्रॉप। ये अजान नाम का सेल्फ प्रोक्लेम डर्मोटोलॉजिस्ट ना पूरी दुनिया को स्किन केयर की टिप्स देता है, लेकिन खुद ने भाई कभी बॉडी लोशन का नाम भी नहीं सुना, मोशन का भी नाम नहीं सुना होगा, तभी किधर भी टट्टी कर देता है। अजान भाई को ब्यूटी हैक्स में मसाला यूज करने का इतना शौक है कि उसका बेडरूम रात को किचन बन जाता होगा। ये मसाले के डब्बे को मसाले का डब्बा नहीं, अजान का नाइट स्टैंड बोलना चाहिए। और अजान की देखा होगा तो एक्स गर्लफ्रेंड उसको बार बार फोन करती है, कितनी अच्छी लड़की है, वरना आज के जमाने में मिस कॉल देने वालों को कॉल बैक कौन करता है? साले क्या सोचता है तू अपने बारे में रे हरामी? अब मैं ये नहीं बोल रहा कि अजान भाई पाकिस्तान का मृदुल मदोक बनने का कोशिश कर रहा है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अभी भी वक्त है। देख लो हम तो कुछ ना कर पाए, आपके पास अभी भी टाइम है। अजान भाई को लगता है कि लोग उसके पाँव छू रहे हैं एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट, लोग तेरे को घुमा के गिराना चाहते हैं दोस्त। ये बंदा इतना सेल्फ सेंटर्ड है ना कि पैदा होने का क्रेडिट भी खुद ने लिया होगा। देखो मैं आया। एनीवेज भाई कोई इस बंदे को हेट मत देना जाके, एंड फॉर माय पाकिस्तानी क्यूटीज एंड सब्सक्राइबर्स संभालो भाई को, क्योंकि जोगिंदर और मृदुल मधोक का नो हेट टू एनीवन। That's it for today. Video pasand like karo, channel pe new ho to do subscribe and mujhe Instagram pe follow kar do @MaheshKeshwala and the Thakesh Show ka new episode jaldi aa raha hai. Kaam chal raha hai. Okay, aise hi roz dal denge to maza nahi aayega. Kaam chal raha hai. And jaane se pehle Zoopy app download karna mat bhulna. Get 10 rupees free instantly, link description mein. Milte hain next video mein, tab tak ke liye peace.